हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की डेट में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वीडियो बहुत शॉर्ट होगी बट इसका कंटेंट बिलीव मी ना आपको गूगल की किसी वेबसाइट पे मिलने वाला है ना ही आपको यूट्यूब पे कहीं पे मिलने वाला है। यह है कल्टिवेशन टेक्निक्स। सी जैसे कई बार होता है ना कि कोई किसान है वो सिर्फ खेती बाड़ी करता है फ्रूट्स की, जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया फ्रूट्स की, सिर्फ फलों का उत्पादन करता है तो उसे हम कहते हैं किसी एक पर्टिकुलर नाम से, तो वो क्या होता है पोमिकल्चर। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे काफ़ी कुछ मैंने लिखा है, काफ़ी ज़्यादा सर्च करके मैंने ये लिखा है। प्लस जिस टाइम पे बहुत पहले मैं कोचिंग लिया करती थी वहाँ पे हमारे जो सर थे उन्होंने हमें 5-6 ये ऐसे लिखवाए थे, क्योंकि जिस स्टेट से मैं हूँ वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिर हमें एकदम पता नहीं चलता कहाँ से आ गया, बट उन्होंने वहाँ पे लिखाए थे। बट आज मैंने क्या किया है, काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और मैं उन सबको आपके साथ शेयर करूँगी। तो चाहे आपने आज तक की वीडियोस के नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, इस टॉपिक के तो नोट्स बनाना आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप सीरियसली पढ़ना चाहते हैं या कोई टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस कहीं से आते हैं ना, हमें लगता है अरे एक नंबर चला गया, वो एक नंबर ही आपको बाकियों से एक कदम आगे लेके जाएगा। ठीक है, बाकी एस्पिरेंट रह जाएंगे और आप एक गवर्नमेंट जॉब इम्प्लॉय होंगे। तो इस दोनों के बीच, इन दोनों स्टेप्स के बीच में एक ही चीज़ है जो ये है कि आप हार्डवर्क करें, डाइवर्स से डाइवर्स टॉपिक्स पढ़ें, ताकि आपका कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, भूल गए पेपर में वो अलग बात है, अब उसमें हमारे मेमोरी में क्या कर सकते हैं, बट हर एक चीज़ पढ़ी हो ताकि कुछ ना कुछ आपका स्कोप रहे। फाइन, इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा हो गया। हमें पढ़ना था कल्टीवेशन टेक्निक्स, जिसे उत्पादन किया जाता है किसी एक चीज़ का, तो उससे संबंधित उत्पादन को क्या कहते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो देखिए सबसे पहले आता है पोमिकल्चर। पोमिकल्चर का मतलब होता है फ्रूट कल्टिवेशन। फ्रूट कल्टिवेशन यानी फलों का उत्पादन पोमिकल्चर कहलाता है। ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर मतलब वेजिटेबल कल्टीवेशन, जो सब्जियों का उत्पादन है वो ओलेरी कल्चर कहलाता है। राइट, नोट्स आप ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपने नोट्स बनाए या नहीं। फ्लोरी कल्चर, अब देखिए समझाने वाला कुछ नहीं, जस्ट लर्न करने वाली चीज़ और बहुत बेसिक चीज़ है, दो बार पढ़ के याद हो जाएगा ये। ठीक है, फ्लोरी कल्चर में आ गया फ्लावर फार्मिंग, जो फूलों को उगाते हैं ना हम बगीचे में, वो आ गया फ्लोरी कल्चर। विटीकल्चर क्या होता है, ग्रेप्स कल्टीवेशन, जो अंगूरों की खेती की जाती है उसे कहते हैं विटीकल्चर। फिर है आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर होता है ट्री फार्मिंग, बड़े बड़े पेड़ों को लगाना, वो होता है आर्बोरिकल्चर। देखिए एक मुझे अभी ये कुछ ध्यान में आया कि कई बार ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी आता है, अगर आप गूगल पे देखेंगे ना, ये क्वेश्चन इस तरह से आया है कि 4 पॉइंट्स हैं, मैच मेकिंग आपको करनी है। ठीक है, तो अगर आपको वहाँ पे 2-3 भी आपने पढ़े हैं अगर मेरी वीडियो से या कहीं से भी 2-3 भी पढ़े हैं तो फिर हो जाता है आपका क्वेश्चन सॉल्व, बट अगर एक भी नहीं पता तो आप क्या ही तुक्का लगाएंगे। राइट, सो गेस मार्क भी इसी बेस पे होता है कि आपने कुछ पढ़ा हो। राइट, सो आर्बोरिकल्चर हो गया ट्री फार्मिंग, पीसी कल्चर हो गया फिश फार्मिंग, यानी जो मछलियाँ होती हैं, ठीक है, उनकी भी ब्रीडिंग वगैरह की जाती है, तो वो हो गया पीसी कल्चर। वर्मी कल्चर हो गया अर्थ वॉर्म्स ब्रीडिंग, जो केंचुए होते हैं उनकी ब्रीडिंग करना। सिल्वी कल्चर हो गया फॉरेस्ट प्लांटिंग, ट्रीज फॉर टिम्बर, मतलब बड़े बड़े जंगलों में पेड़ पौधे लगाना, ताकि उन जो पेड़ जो वो लगेंगे ना उनसे टिम्बर आप एक्सट्रैक्ट कर सकें, लकड़ी निकाल सकें नॉर्मली। टिश्यू कल्चर हो गया कल्टिवेटिंग सिंगल सेल फ्रॉम अ प्लांट, प्लांट से कोई एक सिंगल सेल लेना, उसको उसकी स्टडी फर्दर, उसको कल्टिवेट करना, उसकी स्टडी करना टिश्यू कल्चर कहलाता है। फिर है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर होता है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं रेशम के कीड़े, अगर आपने सुना होगा रेशम के कीड़े, इनको पालना। मॉरिकल्चर हो गया हमारा मलबरी कल्टीवेशन, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, मलबरी इज अ फ्रूट, उसका उत्पादन। एंड मैरीकल्चर हो गया मैरीन फिश फार्मिंग, जो मैराइन फिश होती है, ठीक है, उसकी फार्मिंग। लेट मी एडजस्ट इट, ओके। नेक्स्ट आता है हॉर्टिकल्चर, क्या होता है हॉर्टिकल्चर, हो गया आपका फ्लावर्स फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स की जो कल्टिवेशन होती है। फिर है कूनीकल्चर, कूनीकल्चर हो गया रियरिंग ऑफ हैबिट्स, जो खरगोश होते हैं उनकी ब्रीडिंग, ठीक है। एपिकल्चर हो गया बी कीपिंग, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, अगर आपने देखा होगा, मतलब मेनली पहाड़ों में आई थिंक ऐसा होता है, आई डोंट नो प्लेन वाले एरिया में होता है कि नहीं, तो वो डब्बे होते हैं उनके अंदर जो मधुमक्खियाँ, उनका पालन किया जाता है, फिर शहद एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जिस एरिया में मैं हूँ यहाँ तो बहुत होता है ये बी कीपिंग। राइट, फिर है एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर मतलब एक्वा आपको याद रखना है फिश फार्मिंग। अब देखिए आप सोचेंगे फिश फार्मिंग हमने पहले भी पढ़ा, ये देखिए फिश फार्मिंग मीन्स पीसी कल्चर एंड फिश फार्मिंग इज ऑल्सो एक्वाकल्चर। राइट, फिर है एरोपोनिक कल्चर, इसको एरोपोटिक कल्चर भी मैंने कहीं कहीं पढ़ा है, टू ग्रो प्लांट्स इन एयर, प्लांट्स को एयर में उगाना, वैसे नहीं कि वो खुद से उग जाएंगे, मतलब उनको कुछ ऐसा मीडियम देना कि जो सॉयल का काम करे, बट वो मिट्टी नहीं होती है,
सॉइललेस एग्रीकल्चर भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको आज का टॉपिक कैसा लगा, आपने नोट्स बनाया नहीं बनाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको अच्छे से पता क्या है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। इसी के साथ एक चीज़ और, अभी तक मैं पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स, नेशनल मूवमेंट के हैंड रिटन नोट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाकर देख सकते हैं। प्लस राइट नाउ हम इंडियन ज्योग्राफी एंड मिडिवल इंडिया इन दोनों को साइमल्टेनियसली कवर कर रहे हैं। मिडिवल इंडिया में हम स्लेव डायनेस्टी पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हम कल्टीवेशन टेक्निक्स यानी थोड़ा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर कर रहे हैं। जैसे ही कवर हो जाएगा फिर हम लेक्स, रिवर्स, डैम्स, प्रोजेक्ट्स ये सब पढ़ेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So that's it and see you soon.